नमस्कार दोस्तों, आज है 11 अगस्त और आज मैं आपको कुछ सीड्स दिखाऊंगी। वेजिटेबल्स के सीड्स मैंने खरीदे हैं, नीम ऑयल ख़रीदा है, एक आध चीज़ें बस ऐसे ही छोटी मोटी सी शॉपिंग की है मैंने, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके पहले ना वीडियो की शुरुआत देखिए मैं कर रही हूँ। इतना सुंदर लग रहा है, इतना ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है ये मेरा ऑरेंज टिकोमा, तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाऊं ज़रूर ये। और बहुत खिल रहा है, इतना मतलब बोरी में लगा हुआ है। तो रही बोरी की बात अब करी जाए तो मैं अभी ऐसे ही सोच रही हूँ कि धीरे 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 तैयारी करती रहती हूँ अपने वेजिटेबल्स की, जैसे जो मुझे लगानी है थोड़ा सा अभी से थोड़ी तैयारी करूँगी। तो ये जो करेले आप देख रहे हैं ना, मैंने एक तोड़ लिया उधर से, पहले भी तोड़ा है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ जो आते हैं ना फ्रेश वाला करेला, उसमें जो मैं इस तरह से लाल लाल बीज हो जाता है वही मैंने डाले थे, और इतने ढेरों करेले इसमें निकलते रहते हैं, मैं तोड़ती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती हूँ, नहीं तो फिर वो अंदर से कड़ा हो जाता है, पक जाता है इसका सीड। तो सब्जियाँ लगाने के लिए आप, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ इस वीडियो में, कौन कौन ऐसा है जिसने सोचा है कि इस बार मैं टमाटर तो ज़रूर लगाऊंगी या लगाऊंगा? टमाटर जरूर लगाने का किसने किसने सोचा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये तो कुछ नहीं किया, इसमें कुछ किया ही नहीं, ग्रो बैग में वही कचरा पचरा गार्डन का और जो भी कूड़ा कबाड़ा मैं छप नीचे से जैसे वो सब लेके आती हूँ ना सब्जियों के छिलके के, वही सब इन बोरियों में भर देती हूँ। उसी तरीके से ये बोरियाँ मेरी खूब बढ़िया से, ये देखिए अमरूद में भी ख़राब हो चुका था मेरा ये अमरूद, अब तो बढ़िया हो गया है। चलिए अब बहुत बात कर ली, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं लेके आई हूँ। तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक फूल का मैं ये बीज लेके आई, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत सारी छोटे छोटे सैपलिंग बहुत मिलते हैं और ठीक ठीक दाम में मिल जाते हैं, तो मतलब यहाँ लखनऊ में कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। ये जो है हाइब्रिड विनका के सीड्स हैं, लिखा तो इसमें 65 है, मिला है ये 40 में, 40 रुपये में ये वाला मिला है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या लिख रहा है इसमें जो है 25 to 30 लिखा है ना डिग्री सेल्सियस पे, तो गर्मी तो यहाँ बहुत चल रही है। अभी हम देखते हैं इसमें कौन सा निकलेगा, कलरफुल निकलेगा अभी कि नहीं निकलेगा पता नहीं, लेकिन यह है कि ये उग जाएगा बहुत ईजली। कोशिश करती हूँ जैसा होगा, जब कुछ होता है तो ही मैं फिर वीडियो बनाती हूँ अपडेट के साथ, वैसे नहीं बनाती हूँ। बाकी मेरा फोकस जो है इस बार की गार्डनिंग में वेजिटेबल्स पे ज़्यादा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं ना, दो 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 करके मैं लेके आई हूँ, दो सीड दो, जैसे कि ये बैंगन का लाई हूँ, गोल वाले बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, लोबिया है, और ये सब चीज़ लेके आई हूँ। तो ये तो काफ़ी कम कम में मिले, ऐसे ही 15-15 रुपये के एक एक पैकेट मिले हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कितने बीज होते हैं। मैंने ना हर बार क्या है कि शिमला मिर्च हो गया, ये टमाटर तो मैंने कभी भी ऐसे खरीद के बहुत अच्छी तरीके से नहीं उगाया, कभी नहीं उगाया, हमेशा से घर वाले ही वैसे, जैसे मैंने करेला आपको दिखाया ना उसी तरीके से मैंने टमाटर भी बहुत उगाए थे, या कभी मैंने पौध ले आई थी। और उगाने को तो मूली के कुछ मैंने बीज अभी डाले हुए हैं, मूली निकल रही है, और वो भी तो है, पालक भी मैं एक्चुअली पालक भी दिखाती हूँ, पालक भी मैं लेके आई हूँ, वो भी है, वो वाली लाई हूँ, हाइब्रिड वाली, देसी वाली नहीं है ये। तो ये सब हैं, बड़े आसानी से लग जाते हैं। बाकी मेथी हो गया, वो भी वो तो घर के ही किचन में ही मिल जाती है, और धनिया है, धनिया कई बार होता है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, अच्छे धनिया के बीज रहते हैं तो अच्छा रहता है, ज़्यादा जर्मिनेशन उसका मतलब 100% उसकी वो रहती है। अब जब इतनी सब्जियां लगानी है तो फिर कीड़े तो लगेंगे ही। अच्छा ना, मैं ना सेम नहीं लाई, सेम की फली जो होती है मैं सेम इसलिए नहीं लाई, सेम में कीड़े बहुत लगते हैं। तो ये जो है छोटी ही बॉटल नीम ऑयल की लाई हूँ, ये जितना भी इस पे लिखा है, 100 पता नहीं कितना लिखा था, तो वो 80 रुपये की मिली है, बहुत साल बाद मैंने ख़रीदा है। मैं हमेशा ये घरेलू ही वाला जो है, ये देखिए ये भी मेरा रखा हुआ है बॉटल, इसी को ही मैं घर वाली चीज़ें बना बना के सब इस्तेमाल करती हूँ। ये गार्लिक का है, गार्लिक का पेस्ट, उसको मतलब गार्लिक को ना क्रश करके खूब अच्छे से उसका पानी
उसको स्प्रे मतलब पानी डालकर, ये पता है इस बॉटल में कितने दिन से रखा है, कम से कम 20-25 दिन हो गया है तब से ये रखा हुआ है इस बॉटल में, तो थोड़ा सा उसमें पानी मिला के यूज़ करी, बाकी इसमें कभी हल्दी डाल दिया, कभी हरी मिर्च ग्रीन चिली का कुछ कर दिया, बस छानना ज़रूरी होता है। तो पर होता है ना कभी कभी नहीं बन पाया, तो एक पास में रहना चाहिए ना नीम ऑयल, कि जब हम ऑर्गेनिक तरीके से, मैं पूरा ऑर्गेनिक ही तरीके से करती हूँ आपको पता ही है, तो इसलिए मुझे तो वैसे भी नीम खाली नीम के पाउडर मुझे बहुत पसंद है, ये इतना अच्छा होता है ना ये। अभी मैं 2 किलो का लेके आई थी, मैं फिर ये ले आई, रखा रहेगा, ऐसा नहीं कुछ ख़राब हो जाएगा, अभी वो पुराना वाला ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया है, ये कितने की मिली है, ये 40 से 50 रुपए का ये पैकेट है, ये अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भूसा या ऐसे कुछ मिला इला हो, मतलब क्या बोलूँ। तो बाकी बस जो जो लगाऊंगी थोड़ा बहुत उसमें जो भी अपडेट मिलता जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। और ये अडेनिया मेरा बीमार था, इसको मैंने इसमें थोड़ा वो किया है, मैंने इसका कहीं कुछ वो लग रहा था, क्या बोलूँ उसको, जैसे कि फंगस टाइप, फंगस ही लग रहा होगा और क्या लगेगा, तो उसको मैंने पूरा काट दिया, जो हिस्सा ख़राब था उसको काटा है, फिर हो गया है, कम से कम 10 दिन हो चुके हैं और ये अब सही हो गया है, बस अब इसको मैं लगा दूँगी। बाकी और तो कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं है। ठीक लगा हो वीडियो तो दोस्तों लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं देख रहे हैं तो एकदम सिंपल सिंपल वीडियो मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा वो सब नहीं आता मुझे, तो ठीक लगता हो वीडियो तो लाइक करिएगा, और नहीं लगाओ तो मत करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शायद कोई वीडियो आगे ठीक लग जाए, ये वाला ना लगाओ तो कभी तो लग ही जाएगा सही। बाकी ये देखिए कितना चमक रहा है मेरा ये प्लांट।